एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ब्लाउज बनाने वाले हैं। पैडेड ब्लाउज है ये, मैंने कटिंग की। इसका जो तीरा रखा है वो 5 इंच रखा हुआ है। बैकलेस बना रहे हैं हम इसको, और जो इसका आर्म होल रखा हुआ है वो 6.5 इंच रखा हुआ है हमने। उसके बाद हम प्रिंट डॉट का निशान लगाएंगे ऊपर से 10.5 पे। 10.5 पे हम निपल पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ से 3.5 पे, नीचे से भी 3.5 पे। नीचे से 3.5 लिए, उसके बाद यहाँ से 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम ऐसे गोलाई देंगे, जो ये आर्म होल है इसमें, और इसको कट कर लेंगे। हम सेम ऐसा ही एक इनर और कट कर लेंगे, और मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। ये मैंने एक इनर तो ये रहा, और एक जो मेन फैब्रिक है उसके साथ ऐसे अटैच कर लिया। बैक पार्ट को मैंने ऐसे इनर को ऐसे पलट के सीधी साइड रख के पलट लिया, जो मेरी बाकी वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जो नेक है वो बैकलेस है, बिल्कुल बैक का कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई, और जो डीप रखेंगे वो हमारी ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो हम यहाँ से 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ऐसे गोलाई की सेप देंगे, और यहाँ से हम बिल्कुल बाहर रखेंगे ऐसे बॉक्स बनाने के बाद, इतना इतना बाहर रखेंगे इस तरीके से। हम इसको काफ़ी बाहर रख लेंगे जो बॉक्स बनाया हमने 2.5 इंच का। उसके बाद हम 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। बैक नेक मैंने कटिंग कर ली है, काफ़ी डीप है। अब जहाँ से बीच का जो सेंटर पॉइंट था वहाँ से हम कट कर लेंगे, क्योंकि बैक ओपन है। नेक वगैरह हमने पेस्ट कर लिया, उसके बाद ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, तो हमारा काफ़ी कपड़ा बच गया। उसके बाद हम 4.5 इंच की ऐसे लंबाई में 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हम नोट वाला ब्लाउज बना रहे हैं। फ्रंट पार्ट है ये, जो मेन फैब्रिक है वो है ये मेन फैब्रिक। ऐसे इस साइड से सीधे पे सीधा रखते हुए यहाँ से मिलाएंगे, और इसको थोड़ा हल्का हल्का ऊपर वाला जो ये वाली प्रिंट डॉट है इसको हल्का हल्का खींचते हुए यहाँ तक मिलाएंगे। जो ये वाला पार्ट है, और जो ये ऐसे तीरा वाला पार्ट है, इसको ये बड़े वाले पार्ट को, इस नीचे वाले पार्ट को हम खींचेंगे। मैंने डाल लिया, ये यहाँ से बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए प्रिंट डॉट। ये प्रिंट डॉट यहाँ से बिल्कुल इक्वल इक्वल रखेंगे, ताकि हमारी जो आर्म होल की शेप है वो ख़राब ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ओवरलॉक कर लिया, और जो ये एक दूसरा पार्ट था इसको भी ओवरलॉक कर लिया। यहाँ से हम शोल्डर से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम नेक बनाएंगे। फ्रंट नेक हमने रेडी कर लिया। उसके बाद अब हम कैप लगाएंगे। ये पैड है, इसको ऐसे उल्टा करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे बीच से, और ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे क्रॉस का निशान बनाएंगे। ऊपर से शोल्डर से 10.5 पे मार्क करेंगे, ऐसे जो प्रिंट डॉट है यहाँ पे निशान लगाएंगे। हम कैप जो फिट करते हैं, जो कफ है ये 10.5 इंच पे ही सेट करते हैं। 10.5 पे निशान लगा लिया। उसके बाद जो ये कैप है इसको ऐसे यहाँ से, और जो ये इस तरफ निशान दिख रहा है 10.5 पे, ऐसे करके हम सर्कल पिन से अटैच करेंगे। अब दूसरी साइड ये जो निशान है, और ऐसे बिल्कुल सेंटर कर लेंगे इनका, और बाहर की तरफ से सर्कल पिन ऐसे लगा देंगे। सर्कल पिन लगाने के बाद हम नीचे वाला पार्ट हटा देंगे ऐसे, और यहाँ से किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। कहीं से भी सिलाई स्टार्ट करेंगे, और ऐसे खिंचाव बना के चारों तरफ से कपड़े को ऐसे खींच के रखेंगे हाथ से, और ऐसे गोलाई से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम कहीं से भी सिलाई स्टार्ट करें, पर 5 नंबर की सिलाई रखें और चारों तरफ सिलाई लगा लें। इसको पहले पक्का जरूर कर लें, या तो सुई धागे से या सर्कल पिन लगा के। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। बैक पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले जो हम नोट बांधेंगे उसके लिए ये हमने पट्टी काटी थी, इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे। तिरछी एक कोने से यहाँ से काफ़ी तिरछी सिलाई लगाई। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट दूँगी। उसके बाद यहाँ से कम 2.5 इंच के मार्जिन पे सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई ऐसे लगा ली। अब ये उल्टी है, अब इसको ऐसे पेन वगैरह ले लेंगे, और उसकी हेल्प से सीधा करेंगे बैक पार्ट। ये पट्टी हमने सीधी भी कर ली, तैयार हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे
रखेंगे इसको राइट हैंड की साइड हमारी हुक की पट ऐसे ये रखेंगे बिल्कुल ऐसे कॉर्नर से, और ये हुक की पट्टी, और अब सिलाई लगाएंगे। ये हमारी नोट वाली पट्टी हो गई और ये हुक वाली, और देखो ये लॉक भी हो गई, और हम यहाँ पे हुक भी लगा लेंगे आई भी, ताकि ये खुले बिना और दिखने में ये बिल्कुल गुम हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे ये नोट वाला ही ब्लाउज़ है। जो आई वाली पट्टी है वैसे तो हम नीचे से रख के और फिर बाहर की तरफ पलटते हैं, पर इस नोट को गुम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे डबल करेंगे और जैसे हुक की पट्टी लगाई ऐसे ही लगा लेंगे हम। ये जो आई की पट्टी है यहाँ पे हम ओवरलॉक कर लेंगे, या फिर तुरपाई वगैरह से आप कर सकते हैं अगर ओवरलॉक ना करें तो। उसके बाद ये वाली पट्टी भी ऐसे आ गई, यहाँ पे हम आई बना लेंगे और हुक बंद हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक बनाएंगे, दोनों नेक रेडी कर लेंगे। हमारा नेक बन गया, यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई भी लगा ली। अब ये हुक वाली पट्टी है और ये आई वाली ऐसे आ जाएगी, और ये ऊपर नोट हमारे बन जाएगी। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, बाजू फिनिश करेंगे और इस ब्लाउज़ को कंप्लीट तैयार करेंगे। ये हमारा बैक नेक डिज़ाइन है। ये ब्लाउज़ का हमारा जो बैक नेक है वो बिल्कुल रेडी हो गया। जो ये वाली पट्टी है, जो ये नोट है हम बांध रहे हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग जितना फैब्रिक है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसा आप डिज़ाइन चाहें, फूल फ्लावर वगैरह जैसा भी आपको बनाना आता हो वैसे आप बना सकते हैं। और हमारा ये बैक नेक डिज़ाइन रेडी हो गया। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम।